पंजाब तो संसद मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने अमृतसर में जदर श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती हेठ अते भारत के वख-वख हिस्सों तो 50 तो वध सिंह सभा गुरद्वारा कमेटियां के मुखियां ते वख-वख सिख इतिहासकारां दर्शनिकां ते सिख्या शास्त्रियों नाल इक गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। कॉन्फ्रेंस सन फाउंडेशन के कबीर पार्क में स्थित मल्टी स्किल डिवेलपमेंट सेंटर में हुई। सानी ने दसा कि सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जदर श्री अकाल तख्त साहब की रहनुमाई हेठ गोल मेज कॉन्फ्रेंस में सर्वसम्मति कई फैसले ले गए। उन्हें कहा कि असी सिख्या लंगर लहर की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस लहर का एजेंडा सिखा नौकरियों लिए मौके प्रदान करना है। अज अमृतसर की इतिहासक नगरी च अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब रघबीर सिंह जी की सरप्रस्ती हेठ असी मीटिंग सदी सी वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन सन फाउंडेशन वालों, जो साडा इत्थे वर्ल्ड मल्टी स्किल डिवेलपमेंट सेंटर चलता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सामने। तो मैं खुशी है कि 100 तो भी ज़्यादा प्रधान सारे सिंह सभा गुरद्वारा तो, जिदे च बॉम्बे दे दो गुरद्वारा साहब, बिदर तो, पटना साहब तो, नांदेड़ तो, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर, तकरीबन सारे इंदौर तो, रायपुर तो, और पंजाब के सारे चोणवें शहरों के वड्डे गुरद्वारे है, लुधियाना, पटियाला, जलंधर, सारे और संत महापुरश बाबा लखा सिंह जी नानकसर तो, होर भी मस्तवाणे वाले संत बाबा दर्शन सिंह जी, सारे ने सहयोग दिता। और एक कंपेन की अज शुरुआत हुई बई जिथे साडे गुरद्वारा साहब एक गुरबाणी का केंद्र ने, सर्वसांझी वालता का केंद्र ने, ये लाइट हाउस का काम करन जो बनाया गया सी, जिवें 150 साल हुण सिंह सभा लहर नूं भी मुकम्मल हो रहे ने इस साल, कि किते ना किते अज ये विचार गोष्ठी जिहड़ी 3.5 घंटे तो भी ज़्यादा चली, हुण भी चल रही है, कि बई कुछ गुरद्वारा साहब का जिहड़ा, मैं 10% कहा लेकिन सारे ने कहा 25%, चलो 15 तो 25% जिहड़ा बजट है वो एजुकेशन जिहड़े गरीब सिख विद्यार्थी है या गरीब पंजाबी विद्यार्थी है उन्हां ते खर्च होना चाहिए। जिवें लंगर का बजट है, इमारतों का बजट है, उहदा ब्यूटीफिकेशन का बजट है, उन्हूं थोड़ा जिहा कंट्रोल करके कुछ बजट आपां नूं विद्या विचारी तो परोपकारी, अपनी जे पनीरी नूं पढ़ाई ना होई, नौकरियां ना मिलियां, तो आपां ये लंगर दा और डेकोरेशन दा और बाकी जो भी चीज़ हैं इन्हां दा, गुरु महाराज भी खुश नहीं होणगे। गुरु महाराज ने भी ज्ञान ते जोर दिता, ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, किस तरह गुरु अंगद देव जी ने पंजाबी लिपि शुरू की, किस तरह गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई, ये सारा नॉलेज बेस काम है। दरबार साहब की रचना हुई, उदों कोई आर्कीटेक्चर तो नहीं सी, क्या जो भी खोज किए जा रहे, किन्ने राग ने, किन्ने उहदे च गुरबाणी की रिसर्च की, कि उहदे च इनवायरमेंट बारे, साढ़े पताला पताल, लख अगासा गास, सारे प्लैनेट्स बारे हर चीज़ दर्शाई गई। लेकिन अज का दुखांत है कि पंजाब का जिहड़ा हर दूजा नौजवान है वो कनेडा जाण फिरदा, उहदे च वी असीं बड़ी कम कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने तो, 700 बच्चों कनेडा च उत्थे डिपोटेशन रुकवाण च बड़ा असीं जोर लाया। मस्कट चों 55 बीबियां अपनियां धीआं भैणां नूं कढवाया, 17 हुण लीबिया दी जेलां चों कढवाया, अगले हफ्ते आ जाणगे। पर यह रुकेगा नहीं काम, क्योंकि यह ड्रग की भी जिहड़ी समस्या चल रही है, क्योंकि वेला मन शैतान दा घर, कि नौकरी है नहीं, स्किल है नहीं। असी हुण जिहड़ा अमृतसर 1500-1475 बच्चों नूं नौकरी लवाई 3 महीने पहला, लुधियाना च साडा स्किल वर्ल्ड स्किल सेंटर गिल रोड ते आ गया, 17 सेंटर 18 होर खोल रहे, क्योंकि साडा टीचा है 20 स्किल सेंटर खोलन दा। ते अज मैं बेनती की सारे गुरद्वारा सिंह सभा के प्रधानों और सारिया ने एकजुट हो के, हरियाणा तो भी, पंजाब तो भी, जिवें मैं कहा सारे शहर, भारत के दूर दूर इलाकों तो लोग अज इत्थे पहुँचे 100 तो भी ज़्यादा, उन्होंने सारिया ने एक आवाज़ नाल एग्री किया कि असी हुण सिख्या लंगर चलावांगे, असी स्किलिंग का लंगर चलावांगे, मेरा हुनर मेरी शान, असी नौकरियां दा, मैं कहा उन्होंने उन्हां दा फंड बना दिता गया, एजुकेशन फंड होएगा हर गुरद्वारे, वो उत्थे गुरद्वारा साहब भी कॉन्ट्रीब्यूट करनगे, जिहड़े उस इलाके दे वैल टू डू बंदे जिन्हां दे वाहिगुरु की बख्शिश है परमात्मा की, वह भी 10,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना पाणगे,
तो बहुत बच्चे 4-5 लाख रुपये महीने नाल बहुत बच्चे पढ़ सकते स्कूल लैवल से भी और हायर एजुकेशन लैवल से भी और नाल ही स्किलिंग का जड़ा है क्योंकि एक MA बच्चा अनइम्पलॉयड रह सकता लेकिन जिन्हों कोई स्किल आती है वो ऑटो मकैनिक है रेफ्रिजरेशन मकैनिक है सोलर पैनल टेक्नीशियन है कंप्यूटर है साड़ियाँ बीबियाँ जूनियर नर्स है ग्राफिक डिजाइनिंग है होर तमाम कोर्सेज उन्होंने प्रजेंटेन दी गई हर एक चीज़ में समझाई गई असं यह भी किया भी जो भी गुरद्वारा साहबान स्किल सेंटर करेगा असं उन्होंने टैक्निकल नो हाउ उन्होंने पूरी सपोर्ट देंगे नाल भी असी अपना दसवंध क्ड के भी वो माइक सहायता भी देंगे।